my channel, The Rhapsody Girl, and this is Priyanka. And in today's video, I am going to show you how you can get ready for the coming Eid festival. And जितना important जैसे दिवाली होता है, होली होता है, New Year होता है, बहुत सारे लोगों के लिए वैसे ही उतना ही important Eid का भी festival होता है. Eid is something like कि आपको सुबह से लेकर शाम तक ready होकर रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे आते हैं, जाते हैं, and all of that. But अभी शायद quarantine की वजह से ये सब ना हो, because lockdown चल रहा है, तो there are like very few chances कि तब तक lockdown खुल जाएगा. But अगर खुलता है, नहीं खुलता है, फिर भी घर पे रहेंगे. बट ईद है तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, तो तैयार तो लोग होंगे ही. तो उन लोगों के लिए आई वुड लाइक टू, और तैयार होना अच्छी बात भी है. मतलब कब तक ऐसे पजामे और टॉप में, लूज टी शर्ट में घर में बैठे रहोगे? फेस्टिवल आया तो अपने घर में ही लोग हैं, उनके साथ ही तैयार होके सेलिब्रेट करें, जैसे हमेशा से करते आए हैं वैसे ही करें. बस बाहर ना निकले अगर लॉकडाउन चल रहा है, ये सब सिचुएशन रहेगी, तो बस डोंट गो आउट. बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेक वन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज. क्या कुछ भी, मतलब मैं डाल दूंगी लिंक, जो भी मैं यूज कर रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी. बट एकदम ऐसे ना टेम्प्ट होके कुछ भी फालतू में मत खरीदने लग जाना, बिकॉज सेफ्टी ही अभी इस समय हम लोगों को ध्यान में रखनी है. जो भी आप लोगों के पास घर में सामान है, कपड़े हैं, उन्हीं के साथ करिए अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट. लेकिन कुछ भी ऐसे टेम्प्ट होके ना खरीदना मत, मतलब बहुत डेंजरस भी हो सकता है इस टाइम पे ना. डू नॉट अलाउ एनी वन टू गेट इन टच विद यू. सो जस्ट मतलब इन टच इन द सेंस फिजिकली टच, बिकॉज दिस कैन बी रियली रिस्की as we know the situation going on these days. And also, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon next to it so that you get notified whenever I upload a new video. And देख लेना, उसके बाद like, share, जो भी करना हो वो कर देना. And now, without any further ado, let's dive into the video. One disclaimer I would like to give here is, guys, this dress is green and this is not a stereotype or cliche thing. Like ऐसा कुछ नहीं है. मेरे को ये dress actually, इसे मुझे ना ये बहुत पसंद है. ये बहुत ही सिंपल सा ड्रेस है, इसमें कहीं पे भी कोई काम नहीं है. इसमें यहाँ पे बस ऐसे ही थोड़े से बटन है और ये इधर ऐसे स्लीव्स पे थोड़ा सा इतना ही बॉर्डर है. एंड इट हैज अ वेरी नाइस दुपट्टा दैट आई वुड डेफिनेटली शो यू लेटर पूरा तैयार होने के बाद. बट इस कलर का किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, और इस कलर को पहनने का कोई भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है. आई वुड जस्ट आई एम वेयरिंग दिस बिकॉज मुझे ये बहुत पसंद है. लाइक इट्स अ गाउन, वेरी ब्यूटीफुल गाउन, एंड मुझे ये बहुत पसंद है और मुझ पर अच्छा भी लगता है. मेरे ख्याल से ये मैंने कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला भी नहीं है अपने, तो मैंने इसको चूज किया. नेगेटिव पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं चाहिए अपनी. नो. ऑल्सो मतलब पिंक विंक मेकअप तो कोई भी कर रहता है, इट्स लाइक वेरी इजी ना, मतलब इतना इजी इन द सेंस कि ठीक है कर सकते हैं. लेकिन ग्रीन कलर के साथ अगर मेकअप करना होगा ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा टास्क होगा मेरे लिए, क्योंकि आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन. सो मुझे लगा कि शायद थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और जो भी होगा आपके सामने होगा तो देख लेते हैं. मेकअप करो ना करो, घर से बाहर निकलो ना निकलो, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन तो अपनी स्किन पर हमेशा लगानी है.
सो या दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आप देख रहे होंगे कि मेकअप काफी फ्लॉलेस हुआ है, काफी अच्छा हुआ है और मैंने कोई भी प्रोडक्ट अलग से नहीं मंगाया है. गाइज आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि प्लीज टेम्प्ट होके कुछ भी मत खरीदने लग जाना. वेट कर लेना प्लीज क्वारंटाइन के खत्म होने का, और मतलब थोड़ा सा वेट कर लेना बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. उस त्यौहार फिर आ जाएंगे, लेकिन इस समय इन सब चीज़ों का फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एज यू कैन सी द मेकअप इज क्वाइट गुड, एंड जो मेरे पास मेकअप थे मैंने उन्हीं का यूज़ करके, सॉरी बैकग्राउंड का भूल गई थी मैं, जो मेरे पास मेकअप का सामान था मैं, आप देख रहे होंगे कि मेरी मेकअप वीडियोज़ में वही मेकअप बार बार रिपीट होता रहता है. क्यों? बिकॉज देयर इज अ रीजन. मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था. आई हैव केप्ट सेइंग दिस मेनी टाइम्स कि मैं आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन. सो मेरे पास जितना सामान था हमेशा से मैं उसी को यूज करती हूँ. मैंने कुछ अलग से, कहते हैं ब्रशेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट बिना ब्रशेज के भी काम हो जाता है. आप देख रहे होंगे मैं वही ब्रश रेगुलरली यूज करती हूँ. ब्लेंडिंग ब्रश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी हम कोई भी मेकअप करते हैं, स्पेशली जब हम यहाँ पे आई मेकअप करते हैं तो ब्लेंडिंग ब्रश का. लेकिन अगर नहीं होता तो हाथों से, तो मतलब हाथों से बड़ी और चीज क्या हो सकती है कुछ भी चीज ब्लेंड करने के लिए. सो यार दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप यू एंजॉयड दिस और काफी यूजफुल रहा होगा. और जैसे कि मेरा ड्रेस ग्रीन था तो मैं गोल्डन या ग्रीन के साथ कुछ भी प्ले कर सकती थी, पर मेरे को ग्रीन से कलर मतलब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना था, विच इज लाइक क्वाइट सक्सेसफुल एज आई कैन. मतलब आई कैन जस्ट, मैं अपने आप को देखी जा रही हूँ, मैं कैमरे में नहीं देख रही, कैमरे में मैं अपने आप को देखी जा रही हूँ फोन के. तो काफी अच्छे से हो गया. और हाँ, तो आप अपने ड्रेस के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं. काफ़ी उभर के आया है. इसके नीचे बेस लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्टली अप्लाई कर लिया था. आप जो काजल पेंसिल थी, ग्रीन काजल पेंसिल डायरेक्टली अप्लाई की थी. अगर नहीं है तो आप बेस लगा के करना. अगर आप आई शेडो पैलेट का यूज़ कर रहे हैं तो आई शेडो पैलेट के लिए आपको बेस नीचे लगाना पड़ेगा. बेस के लिए आप कंसीलर या फिर आई शेडो बेस लगा के कर सकते हैं. उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर लगा लीजिए, कॉम्पैक्ट लूज या फिर कंप्रेस्ड. सो और हाँ, बस इतना ही करना. उसके बाद अपना जो भी है वो ज़्यादा अच्छे से उभर के आएगा. फिर पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी आएगी कलर की. और क्या था, हाँ आई थिंक बस इतना ही है. आप सबको चांद मुबारक, ईद मुबारक इन एडवांस. अभी तो नहीं आई है ईद और ये वीडियो पहले ही चली जाएगी ईद से. सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. ऑल्सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीवन यू नो. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर देम. एंड इफ यू आर गोइंग टू शेयर विद द बिगिनर्स एज वेल देन यू कैन शेयर इट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर देम एज वेल. एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.